श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा विशेष है और बहुत ही ज़्यादा खास है। आज है 18 मार्च और आज है होलाष्टक का सोमवार, पहला सोमवार है। और होलाष्टक के सोमवार पर आपको विशेष दीपदान करना है। आज की रात में चावल वाला एक विशेष दीपदान आपको करना है, जो कि आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ 3 दीपक सफलता वाले कहां पर आपको जलाने हैं, वो भी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, आज जो 3 उपाय हम बताएंगे वो आपको आज रात्रि में करना है, यानी कि सूर्यास्त के बाद आप ये उपाय कर सकते हैं। लगभग आप ये उपाय 7:15 के बाद करें और लगभग 11 बजे तक आप ये उपाय परिपूर्ण कर लें, ठीक है। ये 3 उपाय में से केवल एक ही उपाय करना है जो आपको अच्छा लगे, जो आपके जीवन के तनाव को दूर करेगा, जो आपके जीवन की तकलीफ़ों को दूर करेगा। बहुत ही प्यारे से उपाय है। देखो, आज है सोमवार का दिन और सोमवार का दिन किसका होता है? चंद्रदेव को समर्पित, ठीक है। और चंद्रदेव, देखो, अभी नकारात्मक शक्तियाँ बहुत ज़्यादा हावी होती है क्योंकि अभी होलाष्टक चल रहे हैं। 8 दिन नकारात्मक शक्तियाँ बहुत ज़्यादा हावी होती है, तो इसीलिए ग्रहों की जो शक्ति होती है वो शून्य सी हो जाती है। तो विशेषकर ये उपाय, ये दीपक उन लोगों को प्रज्वलित करना चाहिए जिन लोगों का दिमाग मन स्थिर नहीं है, जो लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा तनाव में हैं। अगर वो चाहते हैं कि उनके ऊपर तनाव और ना बढ़े, आपका जो तनाव है वो ख़त्म हो जाए, जो डिप्रेशन है वो ख़त्म हो जाए। बहुत सारे लोग इतने सोचते हैं कि रात में सोने जाते हैं तो सो नहीं पाते ढंग से, मतलब काफ़ी देर तक, आधे एक घंटे तक तो उनको नींद ही नहीं आती है। तो विशेष आपका चंद्र ग्रह कमज़ोर है और चंद्र ग्रह को मजबूत करने के लिए विशेष ये उपाय आज के आपको करना है इस सोमवार के दिन। देखो, आज जो 3 उपाय है, ये 3 उपाय पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके, समझ करके समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। देखो, एक एक करते हुए हम उपायों को समझेंगे। देखिए, सबसे पहला उपाय, आपको कोई भी काम करना है और आप कई जगह भटक चुके हैं और आपका वो काम हो ही नहीं रहा है। कई जगह आपने प्रयास किए, कई जगह आपने बातचीत भी करी, लेकिन फिर भी आपका काम नहीं हो रहा है और आपकी मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो रहा है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। देखो, क्या करना है, एक दीपक लेना है, ठीक है। अब दीपक आप घर पर आटे का बना लो, बिना नमक का, या तो फिर आप माटी का दीपक भी ले सकते हो। आटे का बनाओगे तो बहुत अच्छी बात है, बिना नमक का आटा मढ़ना और उसका छोटा सा दीपक बना देना, ठीक है। साथ में आपको लेना है उसके अंदर घी, घी भर देना और उसके अंदर गोल बाती का प्रयोग करना, ठीक है। साथ में आपको लेना है काले तिल के कुछ दाने, एक चुटकी काले तिल लेना, ठीक है। अब आपको आज के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाना है। आज के दिन भगवान शिव के मंदिर में आपको ये दीपक प्रज्वलित करना है और इस दीपक के अंदर आपको काले तिल के दाने डालना है। जब आप दीपक को प्रज्वलित करोगे तब आपको तुमरुका जी का नाम लेना है। सोमवार के दिन तुमरुका जी के नाम से अगर आप दीपक जलाते हैं काले तिल डाल करके, तो आपके अटके हुए काम परिपूर्ण होने लगते हैं। साथ ही साथ आपकी जो भी विशेष मनोकामना है वो परिपूर्ण होने लगती है। अगर आपने बहुत ज़्यादा प्रयास किया, कोई भी आपकी मदद नहीं कर रहा है, तो एक बार तुमरुका जी के नाम का ये दीपक जला करके देखिए। बच्चे हो, बड़े हो, किसी को भी तकलीफ हो, तुमरुका जी पे विश्वास रख करके ये एक दीपक जलाइए। तुमरुका जी का ये दीपक आपके जीवन के अंधकार को दूर करेगा। पहला उपाय ये हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय की। देखो, ये उपाय भी आपके जीवन के संकटों को दूर करने के लिए है, आपके कष्टों को दूर करने के लिए है। विशेषकर आज होलाष्टक के सोमवार पर अगर आप ये उपाय करोगे तो सबसे ज़्यादा लाभकारी होगा, क्योंकि इस उपाय के लिए आपको एक चावल का दाना लेना है। चावल का दाना खंडित नहीं होना चाहिए। देखो, सोमवार के दिन चावल का दाना का आप उपयोग करते हैं क्योंकि चावल क्या है, सफ़ेद रंग का, और सफ़ेद रंग जो है वो चंद्रदेव का रंग है, और चंद्रदेव के रंग वाला ये विशेष उपाय अगर आप करते हैं तो इससे चंद्रदेव की शीतलता जीवन में आती है। जो लोग डिप्रेशन में है, जो लोग तनाव में है, तनाव से मुक्त होना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उन लोगों को ये उपाय ज़रूर करना है। देखो, इस उपाय के लिए मात्र एक चावल का दाना आपको लेना है, ठीक है। साथ में एक दीपक लेना है। दीपक आप आटे का भी बना सकते हो, माटी का भी ले सकते हो। आटे का ले रहे हो तो लंबी बात, देखो, आटे का ले रहे हो तो बिना नमक का आटा मढ़ना, ठीक है। अब ये जो दीपक है इसके अंदर 2 बाती आपको लगानी है।
एक शिव जी के नाम की और एक शक्ति के नाम की। लंबी बाती का प्रयोग करेंगे शिव और शक्ति के दीपक में। लंबी बाती जो रहेगी तो अलग अलग दीपक नहीं जलाना है, मतलब दो बाती के दो दीपक नहीं जलाने, आपको दीपक एक ही जलाना है। लेकिन जो रुई की जो बाती होगी वो आपस में आप बाइंड कर लें, मतलब आपस में दोनों को चिपका लें और मोड़ लें और उसकी एक ही बाती बना लें, ठीक है, मतलब स्पाइरल जैसी हो जाएगी वो। और उसके बाद इस दीपक को प्रज्वलित करना है। आ गई आपको बात समझ में? ये दीपक आज के दिन आपको क्या करना है, साथ में एक जो चावल का दाना है, ये दोनों चीज़ लेकर के, दीपक और चावल का दाना, आज के दिन आपको सोमवार के होलाष्टक के पहले सोमवार पर बेल पत्र के पेड़ के वहाँ पर जाना है। बेल पत्र के पेड़ की जड़ में इस दीपक को जलाना है और उसके बाद एक जो चावल का दाना है, आपकी जो भी इच्छा है, जो भी इच्छा है जो आपकी परिपूर्ण आपको करना है, मनोकामना जो परिपूर्ण करना है, जीवन के तनाव को मुक्त करना है, चंद्र ग्रह को मजबूत करना है, ऐसी कामना करते हुए एक चावल का दाना दीपक के अंदर आपको डालना है और उसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 11 बार जाप करें, आपके जीवन के कष्ट निश्चित तौर पर दूर हो जाएंगे। तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं। ये हो गया दूसरा उपाय। अब हम बात करते हैं अंतिम उपाय की, तीसरे उपाय की। ये उपाय है सफलता से जुड़ा हुआ, तीन दीपक वाला सफलता वाला विशेष उपाय। कई लोग प्रयास करते हैं और सफल नहीं हो पाते हैं, तो पूज्य गुरुदेव ने अपनी कथा में बहुत ही प्यारा सा तीन दीपक का विशेष उपाय बताया है और ये उपाय आपको आज सोमवार की रात में करना है। लगभग अगर आप ये उपाय करें, मतलब आप यूँ समझ लो 9:10 से लेकर के 9:20 के बीच में अगर आज आप करते हो ना, तो बहुत ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। मतलब आपको विशेषकर 9:15 पर ये दीपक वाला उपाय आपका हो जाना चाहिए, मतलब 9:10 पर आप घर से निकलना और 9:10 से 9:20 के बीच में आपको ये उपाय कर लेना है। देखो इस उपाय के लिए क्या करना है, पहले ये समझो, ये उपाय है सफलता से जुड़ा हुआ, ठीक है। जो भी व्यक्ति, जो भी बच्चे सफल नहीं हो पा रहे हैं, उनको ये उपाय करना चाहिए, तीन दीपक वाला ये उपाय है। तीन दीपक लेना है, माटी के लो, आटे के लो, जो लेना है आप ले सकते हो, ठीक है। तीन दीपक में से दो दीपक में लंबी बाती का प्रयोग करना है और एक दीपक में गोल बाती का आपको प्रयोग करना है, ठीक है। सोमवार के इस दिन पर आपको शाम के समय जब आप ये दीपक लगाने जाओगे, तो आप ये दीपक तीन जगह रख करके आना। तीन जगह में से सबसे पहली जो जगह है वो आपको बेल पत्र के पेड़ की जड़ में रख करके आना है और इसका जो मुख होगा वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। ये दीपक आपके घर में धन वैभव की प्राप्ति कराएगा। सोमवार के दिन बेल पत्र के पेड़ की जड़ में महालक्ष्मी का वास होता है, ठीक है। पहला दीपक का दान आपको करना है बेल पत्र के पेड़ के वहां पर। दूसरा दीपक होगा गोल बाती का और ये गोल बाती का दीपक आपको पीपल के पेड़ की जड़ में आपको रख करके आना है, ठीक है। पीपल को स्पर्श मत करना, किसी भी देव वृक्ष को स्पर्श नहीं करना है आपको रात में। आप दूर से दीपक को रख करके आए, ठीक है, और उसके बाद अपनी मनोकामना भी बोलना है। और ये दूसरा दीपक जो है, ये गोल बाती का दीपक आपको पीपल की जड़ में आपको रख करके आना है। ये जो दीपक होगा, जब आप रखोगे तो आपका जो मुख होना चाहिए वो पूर्व की दिशा की तरफ होना चाहिए। अब हम बात करते हैं अंतिम दीपक की। तीसरा दीपक आपको कहाँ पर लगाना है, आंवले के पेड़ की जड़ में। ये तीसरा दीपक आपको पूर्वमुखी होकर के लगाना है और ये दीपक होगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय का, यानी कि भगवान विष्णु का। यहाँ पर तीन दीपक आपको जलाना है, दो लंबी बाती के और एक गोल बाती का। ये दीपक जब आप जलाओगे, जो भी जिस कार्य में भी आपको सफल होना है ना, उसकी कामना करते हुए आपको ये दीपक जलाना है। ये दीपक आपके जीवन से सारे संकट, सारे कष्टों को दूर करने वाला है। ध्यान रखना, जब आप बेलपत्र के पेड़ के वहाँ पर दीपक जलाओगे तो महालक्ष्मी से प्रार्थना करना, जब आप पीपल के वृक्ष के वहाँ पर दीपक जलाओगे तो शिवजी से प्रार्थना करना, और जब आप आंवले के वृक्ष के वहाँ पर दीपक जलाओगे तो भगवान विष्णु से आपको प्रार्थना करना है। ये तीन दीपक वाला विशेष उपाय है, सफलता से जुड़ा हुआ उपाय है, तो ये उपाय भी आप आज के दिन कर सकते हो। आज के इस पूरे वीडियो में हमने तीन बहुत ही प्यारे से उपाय के बारे में आपको बताया है। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट में एक बार पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महा